वो क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पर, ठीक है, 4 का सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1 प्लस 10 थीटा इंटू, पहले तो पेन चेंज कर लो, 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा इंटू क्या है, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाओ, लिख लो 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ठीक है, उल्टी लिखा गया, उससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं, जानते हैं कि दोनों मल्टीप्लाई में ही है, ठीक है, 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है। आ जाओ, तो हमें क्या करना होगा, इन सब में क्या करना है, इन सबको पकड़ करके उठा करके इन सबसे क्या करना है, गुणा करेंगे, ठीक है। तो और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको प्रोसेस बाय प्रोसेस हम करते जाएंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको उठाते हैं और इस सबसे क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। देखने में तो लग रहा है कि लंबा क्वेश्चन जाएगा, आगे आ जाओ, तो 1 में 1 से गुना करो, यानी 1 को उठाओ और इन तीनों से गुना, तो 1 में 1 से गुना करो तो क्या हो जाएगा 1, और 1 में 10 थीटा से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 10 थीटा, और 1 में sec थीटा से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा sec थीटा ना sec थीटा, अब cot थीटा में 1 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा cot थीटा ना तो cot थीटा, और cot थीटा में 10 थीटा से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 1 ना, और cot थीटा में sec थीटा से गुना करोगे तो कुछ ना, वही cot थीटा इंटू sec थीटा हो जाएगा। अब बच गया माइनस माइनस कॉसेक थीटा 1 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा, और माइनस कॉसेक थीटा को 10 से थीटा से ना तो माइनस कॉसेक थीटा इंटू 10 थीटा, और कॉसेक थीटा में सेक थीटा से ना तो माइनस कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा हो गया, ठीक है। चलो सबसे तो गुना कर दी, अब देखो तो कुछ फायदा हो रहा है गुना करने से, कुछ फायदा तो नजर ना रहा है मगर देख लो, 1 प्लस 1 क्या हो गया, 1 2 2 हो गया, ये 10 थीटा और कहीं है नजर आ रहा है तुमको, ये होते ही तुम नजर आ रहे हैं कॉसेक थीटा इंटू 10 थीटा, आ जाओ तो लिख लो पहले होगा 10 थीटा माइनस क्या है कॉसेक थीटा इंटू 10 थीटा ना 10 थीटा प्लस सेक थीटा और कहूँ है, देखो नजदीक में तो ही नजर आ रहा है, तो लिख लो आप कॉट थीटा इंटू सेक थीटा, कॉट थीटा कहूँ है ना तो कॉट थीटा लिख लो, 1 का तो काम हो गया, कॉट थीटा इंटू सेक थीटा लिखाया गया, माइनस कॉसेक थीटा ना लिखाया है तो माइनस कॉसेक थीटा लिख लो, माइनस कॉसेक थीटा, ये कॉसेक थीटा इंटू 10 थीटा लिखा गया, कॉसेक थीटा इंटू 10 थीटा लिखा, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा ना लिखा है ना, तो लिख लो, अब यहाँ से तो कोई रास्ता नहीं ना मिल रहा है तुमको बाबू, जब हमको रास्ता नहीं मिल रहा था, थोड़ा सा और अगला कदम हम नेक्स्ट स्टेप उठाते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप हम क्या उठाएंगे, अब हम क्या करते हैं कि टेन को साइन कॉस में चेंज कर, सबको हम साइन कॉस में रखने का प्रयास करते हैं, देखते हैं कुछ उससे कुछ सुधार हो जाए। तो 2 प्लस 10 थीटा को तो अभी तो 10 थीटा रहने दो, जैसे ही प्रोसेस देख लो, इसको कॉसेक थीटा रहने दो, 10 थीटा को तुम क्या लिख सकते हो साइन थीटा बटा कॉस थीटा ना, कॉस थीटा लिख दो, सेक थीटा को भी सेक थीटा रख दो, और कॉस थीटा इंटू कॉस सेक थीटा ना इसको सॉरी कॉस थीटा बटा क्या होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, इसको सेक थीटा रख दो, मुंह में छाला पड़ा हुआ है बाबू, तो बोल रहे थे जो पूरा जो है ना वो दर्द करने लगता है, पूरा जलने लगता है, इसलिए अब यहाँ देख लो कॉट थीटा है ना, तो इसको अभी कॉट थीटा रहने दो, कॉट थीटा कॉसेक थीटा को भी रहने दो, अभी कॉसेक थीटा, और कौन बच गया कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा ना, तो कॉसेक थीटा को तुम क्या लिख सकते हो, थोड़ा सा भी ध्यान दो, तो तुम कॉसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा, और सेक थीटा को क्या लिख सकते हो 1 बटा कॉस थीटा ना कॉस थीटा, कोई फायदा हुआ ना, चलो आगे आ जाओ, 2 प्लस क्या हो गया 10 थीटा, कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाता है 1 ना, ये क्या हो गया 1 बटा
कॉस थीटा, ये तो प्लस सेक थीटा है ना, सेक थीटा रहने दो। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या हो जाता है, वन ना, तो वन बटा साइन थीटा। ये प्लस क्या हो गया, कॉट थीटा ना, इसको भी रहने दो ना, भी कॉट थीटा माइनस कॉस एक थीटा। और इसको हमने चेंज कर दिया है, तो लॉ भाई चेंज कर ही दिया है, तो उसी को लिख लो, वन बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आगे आ जाओ, तो टू प्लस क्या हो गया, टेन थीटा ना, टेन थीटा। वन बटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा प्लस सेक थीटा। वन प्लस वन बटा साइन थीटा क्या हो जाता है, कॉसेक थीटा ना, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, और माइनस क्या हो गया, वन बटा साइन थीटा इंटू क्या हो गया, कॉस थीटा ना, कॉस थीटा। देखो तो कॉसेक थीटा ये कैंसिल आउट हो गया, और सेक थीटा ये कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हो गया, बच क्या गया, टू प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, और क्या बच गया, माइनस वन बटा साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा, यही ना बचा है, और कुछ तो बचा होता है ना। अब हम क्या करते हैं, साइन थीटा साइन कॉस में है, तो इस सबको भी हम क्या करते हैं, साइन कॉस में चेंज कर देते हैं, ठीक है। ताकि आ जाओ, शायद इतना में तो मेरा फेस वैल्यू आ रहा होगा ना, आ जाओ इधर से लिखते हैं, तो टू रहने देते हैं, टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, इसको भी रहने दो, माइनस ना है, तो माइनस वन बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ना, कॉस थीटा। आगे इसी में बढ़ा दो, तो टू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा के एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, देख लो इसका हम सिर्फ कर लेते हैं, इसको भी रहने दो, तो कॉस से कॉस कैंसिल यानी क्या हो जाएगा, ऊपर साइन स्क्वायर थीटा, और साइन से साइन कैंसिल, ऊपर क्या हो जाएगा था, कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो माइनस वन बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ना, कॉस थीटा हो गया। आगे कर लो, कहाँ गया भाई, तब यहाँ पर आ जाओ, तो टू ना हो गया, तो टू प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन ना, तो वन बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये क्या हो गया, माइनस वन बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ना, इसको उड़ा दो और इसको भी उड़ा दो, तो क्या बचाएगा, टू ना, तो टू बच गया। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर टू था तुमको, सी पहले से ही नजर, इसमें क्या हो जाएगा, सी हो गया, यानी ऑप्शन नंबर टू। तुमको थर्ड नंबर क्या दे दिया है, थर्ड नंबर में तुमको दे दिया है सेक ए प्लस टेन ए इंटू वन माइनस सेक ए प्लस टेन ए, और इंटू क्या हो जाएगा, वन माइनस साइन, वन माइनस साइन। तो यहाँ पर साइन से थोड़ा सा प्रलोभन क्या हो रहा है, हम क्या करते हैं, से को कॉस में चेंज करते हैं, टेनो को भी उसी तरह से साइन कॉस में चेंज करते हैं, देखते हैं आगे बढ़ते हैं। देखो बाबू, ट्रिगो का जो क्वेश्चन है वो सब अपने से सॉल्व करने का है, अब हम किसी को यहाँ पर रहते हैं, हम चाहे तो साइन को ही टेन में चेंज करके सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो हम इसको हम क्या करते हैं, साइन कॉस में चेंज करिए, हम अपना बनाने का शौक है कि हम कैसे बनाते हैं उसको, कैसे क्वेश्चन को टैकल करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सेक को हम क्या ले सकते हैं, वन बटा कॉस है, बनेगा कि नहीं बनेगा उससे तुम लोग क्यों घबरा जाते हो कि हाँ हमसे ना बनेगा, नहीं बनेगा तो क्या होगा, बहुत ज्यादा वो पेज खर्चा होगा और कुछ तो होना नहीं है, ठीक है। आगे आ जाओ, तो कॉसे और साइन का एलसीएम क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा कॉसे इंटू साइन, कॉसे से कॉसे कैंसिल ना, तो ऊपर क्या हो जाएगा, साइन है, और कॉसे से कॉसे यहाँ पर भी कैंसिल, अरे कॉसे इंटू कॉसे है तो हम भी पागल हो गए,
तो कॉस से है तो कॉस से ही ना एलसीएम हो जाएगा, कॉस से कॉस से कैंसिल हो गया तो वन हो गया, ऊपर क्या आ जाएगा प्लस साइन ब्रैकेट वन, वन माइनस साइन एन हो गया तो वन माइनस, ऊपर क्या बच गया वन प्लस साइन ए साइन ए, ठीक है। अब गुना करके लिख दो, किससे गुना करना पड़ेगा वन माइनस साइन ए से, नीचे क्या है कॉस ए ना, कॉस ए होगा वन प्लस साइन ए में वन माइनस साइन ए से गुना कर दो, क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, तो वन माइनस साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर, वन माइनस साइन स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला हो जाता है कॉस स्क्वायर के ना, कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस ए ना, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, यानी कॉस ए आ गया, कॉस ए है कहीं ऑप्शन में, डी है ना, डी हो गया, ठीक है। चल अब आ गया जो वन प्लस टेन स्क्वायर ए बटा वन प्लस कॉट स्क्वायर क्या होगा, इसको भी देख लो, इसको भी चेंज कर दो उसी तरह से साइन और कॉस के टर्म में, तो वन प्लस टेन स्क्वायर ए बटा वन प्लस क्या है कॉट स्क्वायर है ना, कॉट स्क्वायर है तो वन प्लस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर, अब बटा ये क्या हो जाएगा वन प्लस कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर, चेंज कर दो, ठीक क्या होगा वन, अच्छा सॉरी कॉस स्क्वायर है ना कॉस स्क्वायर है, अब प्लस क्या हो गया साइन स्क्वायर है ना साइन स्क्वायर है बटा कॉस स्क्वायर है, फिर एक बड़ा बटा, फिर हो जाएगा क्या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है, अब बटा क्या हो गया साइन स्क्वायर है ना साइन स्क्वायर। देख लो यहाँ पर हम फास्ट इसलिए चले क्योंकि तुम सब को जानते हो कि बेसिक चीज जानते हो, भिन्न का जोड़ करना था और कुछ नहीं करना था, वन और कॉस स्क्वायर का एलसीएम क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर है ना, तो वन से कॉस स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल थे नहीं सिर्फ साइन के बच गया, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन ना, तो वन बटा कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा वन बटा साइन स्क्वायर, तो नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा ना, यानी क्या हम लिख सकते हैं इसको साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर है ना, तो साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर क्या हो जाता है टेन स्क्वायर है ना, तो टेन स्क्वायर हो जाएगा, इसमें है कहीं टेन स्क्वायर है, यही है ऑप्शन नंबर डी, सॉल्व हो गया डन। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन,